हेलो गाइस, मैं जो फिर नई वीडियो के साथ, तो इसमें आपको बताऊंगा कि आप स्पाइडरमैन वाली फ़ोटो कैसे एडिट कर सकते हो। कुछ इस तरीके की देख सकते हो आप स्क्रीन पे। तो ये वाली फ़ोटो एडिट आपको कैसे करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले पिक्सआर्ट में आना है, ऐसा हम अपना बैकग्राउंड लेंगे। मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, देख सकते हो ये वाला बैकग्राउंड लेना है हमें यहाँ पे। एंड यहाँ चलना है टूल्स में, यहाँ से क्रॉप्स में जाना है। एंड यहाँ से हमें पोर्ट्रेट वाला सेलेक्ट कर लेना है, एंड इसे फिल कर लेना है, यहाँ से डन कर लेना है। एंड चलते हम ऐड फोटो की तरफ। एंड यहाँ से अपने फ़ोटो को हमें ऐड करना होगा। तो ये वाला देख सकते हो ऐसे हमारा फ़ोटो ये रहा, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं अब इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है, चलते हैं फिर से ऐड फोटो की तरफ। एंड यहाँ से हम इसको ड्रेस लगाएंगे, हम ड्रेस चेंज करेंगे इसकी। तो हम ये ड्रेस लगाएंगे तो पहले हम राइट हैंड पे लगाएंगे इस तरीके से, जो पूरा कवर हो जाए। एंड इरेज टूल पे जाएंगे, यहाँ से इनवर्ट कर लेंगे, एंड जो कि हिस्सा यहाँ पर हमारे हैंड्स का उस पर ऐसे अप्लाई कर लेंगे सर। देख सकते हो हमारा वन पहले हैंड पे हो गया है। एंड यहाँ से डन कर लेंगे हम इसे। एंड चलते हैं फिर से ऐड फोटो में। एंड वापस से मुझे वाला पेन जी लेंगे, एंड इस बार इसके राइट हैंड पे लगाएंगे हम इस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, इरेज टूल पे आके इन्वर्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे अपने हैंड मार लेंगे इस तरीके से। तो देख सकते हो हमारा सेकेंड हैंड भी हो गया। अब आई हमारी बॉडी की, तो हम अपने जो बॉडी है फ्रंट साइड पे, उस पर हम अपने लगाएंगे अब। तो ये हम फिर से लगाएंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे। इसको ओपेसिटी कम करके देखते हैं कहाँ पे एडजस्ट हो जाए सही से। इसको फुल कर लेंगे, यहाँ से इरेज टूल पे जाएंगे, यहाँ से हम इन्वर्ट कर लेंगे जो अपने यहाँ पे। और देख सकते हो हमारी मतलब कॉस्ट्यूम लग चुका है, लग रहा है बिल्कुल रियल लुक के हमने यही वाले कॉस्ट्यूम ने पहन रखे हैं। तो ऐसे फादे यहाँ पे आ चुके हैं, जिस वजह से इसको भी हम इरेज कर लेंगे। ये देख सकते हो, एंड यहाँ से हम इसे डन कर लेंगे और हमारी ये हो चुका है। एंड चलते हैं फिर से ऐड फोटो की तरफ। एंड यहाँ से हम पीएनजी लेना है ये वाला, एंड इसको हमें इस तरीके से लगा लेना है इतने पर। यहाँ पे ये लगा लेना है, एंड इरेज टूल पे आना है। एंड जो सामने स्पाइडर बना रहा है इसको इरेज कर देना है, क्योंकि हमें बस उसका विंग्स चाहिए पीछे के, तो हम इसे इरेज कर लेते हैं। तो इस तरीके से इरेज कर लीजिएगा अभी। देख सकते हो हमारा ये लग चुका है। एंड यहाँ से हम इसे भी डन कर लेंगे। एंड चलते फिर से ऐड फोटो की तरफ। एंड हमें स्पाइडरमैन के पीएनजी लेने हैं, एंड एक ये वाला लेंगे। तो इसको हम यहाँ लगा लेंगे इस तरीके से, ताकि लगे हैं दीवार पर चढ़ रहा है। एंड एक को हम यहाँ लगा लेंगे इस तरीके से। एंड यहाँ से हम इसे डन कर लेंगे। एंड चलते फिर से ऐड फोटो की तरफ। एंड यहाँ से एक टेक्स्ट का पीएनजी लेंगे हम, स्पाइडरमैन के टेक्स्ट का पीएनजी जो है ये वाला गाइस। एंड यहाँ से ऐड कर लेंगे, ऊपर जाएंगे वहाँ से। एंड यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड सेलेक्ट करेंगे, इसे स्क्रीन कर लेंगे भाई, देखते हो थोड़ा छोटा कर लेंगे इसे हम। एंड यहाँ पे लगा देंगे, एंड यहाँ से डन कर लेंगे। देखते इतना हमारा हो चुका इसमें काम। जो हमारे हेयर से वो थोड़ा बहुत फीका फीका कलर लग रहे हैं, तो उसमें मैं अभी डाल दूँगा कुछ ब्लैक करने के लिए। चलते टूल्स में, यहाँ से एडजस्ट में जाते हैं, इसके में ब्राइटनेस कम कर लेनी है। एंड इरेज टूल पे आएंगे, इन्वर्ट कर लेंगे और अपने हेयर्स पे ऐसे लगा लेंगे, तो हमारे ब्लैक हो जाए बाल। यहाँ से हम डन कर लेंगे। तो इस तक हमारा हो चुका है यहाँ पे। एंड चलते हम ड्रॉ टूल में, अब थ्री डॉट में जाके यहाँ सेव इमेज कर लेंगे। चलते हम लाइट रूम की तरफ। तो वैसे मैं लाइट रूम ओपन कर ले रहा हूँ। तो
गाइस हमें गाइड कर रहा है अभी, एड फोटो में जाना है। यहाँ से जो हमने फोटो भी वो की उसको ऐड करना है जो एडिटिंग की थी हमने। तो भाई देख सकते हो फोटो आ चुकी है हमारे सामने यहाँ पे। ओह क्या बता रहे यार, ये चलते हैं हम ब्राइटनेस में। यहाँ से हम इसका एक्सपोजर बढ़ा देंगे थोड़ा सा, एंड कंट्रास्ट को इसके हम बढ़ा देंगे, कंट्रास्ट ज़्यादा कर लेंगे थोड़ा। जो हाईलाइट इसकी हाईलाइट को थोड़ा सा कम कर देंगे, एंड शेडोज को इनक्रीज कर देंगे, एंड वाइट्स को थोड़ा सा इंक्रीज, एंड ब्लैक्स को कम। चलते कलर्स में, यहाँ से जिसका टेम्परेचर है उसको माइनस रखेंगे, एंड टिंट को थोड़ा बढ़ा देंगे, एंड वाइब्रेंस बढ़ा देंगे, एंड सेचुरेशन थोड़ी सी कम कर लेंगे। चलते मिक्स टूल में, जो फर्स्ट कलर है इसके हमें लूमिनेंस बढ़ा देनी है। जो ऑरेंज कलर है तो इसको हम थोड़ी सी ह्यू कम करेंगे, सेचुरेशन हल्की इंक्रीज कर लेंगे। जो येलो कलर है इसके सेचुरेशन में कम कर देनी है, जो बाकी कलर है इसकी भी। जो ये वाला कलर का ये ब्लू वाला, तो इसको हमें थोड़ी सेचुरेशन इसकी बढ़ा देनी है। एंड जो ये इसकी लूमिनेंस हम थोड़ी सी कम कर लेंगे। पिंक कलर है इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, एंड यहाँ से हम इसे डन कर लेंगे। एंड चलते क्लैरिटी में, यहाँ से हम क्लैरिटी बढ़ा देंगे इसकी, एंड वीगनीट को हम हल्का सा कम करेंगे। चलते शार्पनिंग में, शार्पनिंग डालेंगे फ़ोटो में, एंड नॉइज़ रिडक्शन ऐड कर लेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा कलर नॉइज़ रिडक्शन भी डाल देंगे ताकि हमारा फेस थोड़ी स्मूथ सी हो जाए। तो देख तुम्हारी मतलब फ़ोटो बिफोर आफ्टर दिखाया था पिकार्ड में कैसे थी और लाइटरूम में कितनी अच्छी क्लैरिटी हो गई, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो भाई देख तो इतनी अच्छी फोटो बन चुकी है। चलिए आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो करिए गाइस, क्योंकि इस चैनल पर मैं एडिटिंग की वीडियोज़ लाते रहता हूँ अच्छी। चलिए आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।